नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल स्काई में आपका स्वागत है। देश में अब भले ही पहले की तरह कोरोना वायरस के मामले तेजी से नहीं बढ़ रहे, लेकिन इन सब के बीच डेंगू ने अपने पांव तेजी से पसार लिए हैं और देश के कई हिस्सों में लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि डेंगू पहली बार सामने आया हो, बल्कि इसके मामले हर साल ही सामने आते हैं, लेकिन इस साल इसका प्रकोप काफी बढ़ रहा है। वही मौसम में बदलाव होने के बाद से तो इसमें तेजी देखी जा रही है। ऐसे में हम डेंगू से बीमार न पड़े, इसके लिए हमें खुद का और अपने परिवार का बचाव करना बेहद जरूरी है। इसके कुछ गंभीर लक्षण हैं और कुछ चीजों का सेवन करने से आप खुद का बचाव भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में। लक्षण: खून के साथ उल्टी होना, रक्त श्रावी बुखार आना, शरीर पर चकत्ते होना, पेट में गंभीर दर्द होना, लिवर खराब होने की शुरुआत होना, थका हुआ महसूस होना, पेट से जुड़ी दिक्कतें होना, तेजी में सांस लेना, सांस लेने में दिक्कतें, मसूड़ों और नाक से खून निकलना। डेंगू के मरीज को तरल पदार्थ लेना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए आप ऐसी सब्जियां जो विटामिन और मिनरल से भरपूर हो, इनका जूस निकाल कर डेंगू के मरीज को दें। डेंगू के बुखार में मरीज को पपीते के पत्ते का रस देना चाहिए, क्योंकि इससे काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है और ये ब्लड के प्लेटलेट्स के काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। डेंगू के मरीज को अनार का सेवन भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन के, बी और सी, जिंक, ओमेगा 6, फाइबर जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो खून की कमी को दूर करते हैं। नारियल पानी का सेवन करना भी डेंगू के मरीज के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसके सेवन से मरीज की इम्यूनिटी मजबूत होती है और उसे डेंगू जैसे रोग में लड़ने से मदद मिलती है।